लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा में मतदान 12 मई को होना है। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फरीदाबाद का लघु सचिवालय है ये, और यहीं पर नामांकन प्रक्रिया, जो उम्मीदवार हो हैं लोकसभा चुनाव के, उनका नामांकन यहीं होना है। इसी बिल्डिंग के कमरा नंबर 108 में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, और इसके लिए सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो पुख्ता कर दिए गए हैं। 100 मीटर की दूरी, क्योंकि जो नामांकन जहाँ पे होना है यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, ताकि कोई भी निजी वाहन यहाँ पे ना आ सके। और जो भी उम्मीदवार अपना नामांकन के लिए आएगा वो 5 से ज़्यादा लोगों को अपने साथ नहीं ला सकता है। आपको बता दें कि जो नामांकन है उसको लेकर समय 11 बजे से 3 बजे तक रखा गया है, और 3 बजे के बाद किसी को भी यहाँ पर नामांकन भरने नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो फरीदाबाद का डीसी ऑफिस है उसका 108 नंबर जो है वहाँ पे नामांकन भरा जाएगा। यहाँ पे जो खर्च की सीमा है वो तय कर दी गई है उम्मीदवार की, 70 लाख से ज़्यादा कोई भी उम्मीदवार खर्च नहीं कर सकता है। इसके लिए नामांकन से पहले उम्मीदवार को अपना और अपना जो एजेंट है उनके नाम ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना होगा, और यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर के सामने उसकी जानकारी देनी होगी। 23 तारीख तक नामांकन किया जाएगा, यानी कि 23 अप्रैल तक नामांकन किया जाएगा। इसके बीच में जो भी सरकारी अवकाश होगा उस दिन नामांकन दाखिल नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि पहला दिन है नामांकन का। और उसको लेकर अब कितने लोग फरीदाबाद से नामांकन करते हैं ये 23 तारीख के 3 बजे के बाद पता चल जाएगा, जब 23 तारीख को अंतिम दिन है नामांकन का। उसके बाद कितने लोग नामांकन करते हैं, 24 तारीख को यहाँ पे जो नामांकन का आवेदन होगा उसकी छट्टी की जाएगी, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया जारी की जाएगी। कैमरामैन अनिल के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़।